तक की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुई लैंडस्लाइड की दुखद घटना। मलबे में दबे लोगों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। अब तक इस घटना में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 50 से अधिक परिवारों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। लगातार हो रही बारिश में रेस्क्यू ऑपरेशन प्रहारी हो रहा है। रायगढ़ जिले के इरशालवाड़ी गांव में करीब 50 मकान है, जिसमें से 17 मकान बारिश के बाद आए भूस्थल के कारण दब गए हैं। यह गांव माथेरान और पनवेल के बीच इरशालगढ़ किले के पास है। यहां बीते कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश के कारण कई घटनाएं सामने आ रही थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घटना के बाद रायगढ़ पहुंचे और वहां बचाव कार्य के लगे कर्मियों से बातचीत की। सीएम शिंदे ने राहत और बचाव कार्य में और तेजी लाने का आदेश दिया है। लैंडस्लाइड के घटना के बाद सीएम शिंदे ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों का इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। घायल हुए 20 से अधिक लोगों को नवी मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस परिस्थिति के बारे में फोन पर जानकारी ली है। उन्होंने कहा है कि सहायता की जरूरत जितनी पड़ेगी केंद्र से उतनी सहायता अवश्य मिलेगी।